हमारे पास हीरो मैवरिक 440 एंड थैंक यू स्पेशल थैंक्स टू उषा हीरो एंड श्री हीरो पूर्णिया। एंड बाकी बात चलो आओ इस बाइक की रिव्यू करते हैं एंड इस बाइक के फीचर्स के बारे में जानते हैं और इस बाइक की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। तो चलो सीधा बात करते हैं। तो ये रही चाबी हीरो मैवरिक 440 की, जो कि काफ़ी अच्छी है एंड प्रीमियम लग रही है मुझे इसकी क्वालिटी। सो इसको डालते हैं इधर और ये चेक करो, ये रही अपने इधर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब इसका एनिमेशन जो है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार, ये चेक करो। तो अभी बाइक न्यूट्रल है एंड सबसे अच्छी इसमें मुझे एक चीज़ यही लगी का एग्जॉस्ट नॉट। स्टार्ट करता हूँ मैं बाइक, आप सुन पा रहे होंगे। ये था एग्जॉस्ट नॉट जो कि मुझे काफ़ी प्यारा लगा और इस प्राइस सेगमेंट में ये एग्जॉस्ट नॉट मतलब रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा ये पीछे छोड़ते हुए दिख रही है। बाकी बात आइए फ्रंट लुक से बात करते हैं और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है LED इंडिकेटर्स और LED आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर में। रही HSAP DRL और ये रही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि काफ़ी सही है। एंड सबसे इसमें मैंने देखा यार, काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियो देखा मैंने, काफ़ी रिव्यू वाले वीडियो देखा, तो इसमें हर एक चीज़ मुझे ये कॉमन लगी कि सब बता रहे हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वो भी मुझे मतलब देख के लग रहा है कि हाँ सच में अच्छी है और आपको सामने देखने को मिल जाता है मेटालिक जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड इस प्राइस रेंज में अदर बाइक में अगर देखोगे तो वो आपको फाइबर के देखने को मिल जाएगी। बाकी बात ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये है गाइस टॉप वेरिएंट एंड इसमें आती है तीन वेरिएंट, एक आती है बेस मॉडल, एक आता है मिड वेरिएंट, एक आता है टॉप वेरिएंट जो कि अभी हमारे सामने है। और इस वेरिएंट में आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं और मिड वेरिएंट में भी आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं और बेस मॉडल में आपको सिर्फ वाइट कलर देखने को मिलता है। एंड गाइस बात करते हैं इसके हैंडल बार के ऊपर जो कि काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर प्रोवाइड करती है। एंड इसके ऊपर जो स्विचेस लगी है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की दी गई है। एंड ये रही इग्निशन ऑन ऑफ एंड दिस इज द हैजार्ड मोड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हीरो की बेजिंग देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे पास वास जो भी है आपका। एंड दिस इज द इंडिकेटर स्विच इंडिकेटर एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑन एंड दिस इज़ द मेन फीचर जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाला फीचर। देखो मुझे इसका पता नहीं क्या ज़्यादातर यूज़ होने वाला है या फिर यूज़ इसका क्या अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। इसकी जो बटन दी गई है वो लैम्बोर्गिनी जैसी दी गई है, यहाँ पे आप देखो SOS बटन इमरजेंसी के लिए आपको ये दी गई है। इस बटन का मुझे ज़्यादा पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि आपको अगर कोई भी इमरजेंसी केस में या फिर किसी को या फिर हीरो में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है इसको दबाने से। बाकी बात मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में। बाकी बात गाइस पीछे आ जाते हैं एंड पीछे जो इसकी जो ब्रेकिंग होने वाली है वो है ABS में और ये मुझे काफ़ी सही लगी। एंड आगे भी डुअल चैनल ABS दी गई है एंड पीछे भी सेम। बाकी बात आपको इसमें देखने को मिल जाता है डुअल चैनल ABS एंड ABS आपको तीनों वेरियंट में देखने को मिलती है। एंड फर्स्ट जो कि बेस वेरियंट है उसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं देखने को मिलती है एंड बाकी जो मिड वेरियंट एंड टॉप वेरियंट है इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी सही है। बाइक की अब हम लोग फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें हमको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और इसमें 42.9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऐसा तो कंपनी वालों ने कहा है लेकिन मुझे लगता है ये 35 के अप्रॉक्स माइलेज देगी और जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एंड इस सीसी में काफ़ी अच्छा होने वाला है। आते नीचे गाइस और इंजन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है रिफाइंड इंजन जो कि काफ़ी सही लग रहा है एंड मिड वेरियंट और बेस वेरियंट में आपको ये देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है इंजन। और ये है 440 की इंजन और ये हार्ले X440 की सिमिलर इंजन है। बाकी बात इसकी सीसी जो है होने वाली है वो है 440। बाकी बात यहाँ आपको हीरो की बेजिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको देखने को मिल एक्स टॉर्क की बेजिंग। और बाकी बात ये इंजन जो है एयर ऑयल कूल्ड इंजन है और आप देख सकते हो ये है फुटरेस्ट एंड फ्रंट की फुटरेस्ट थोड़ी आगे दी गई है जिसकी वजह से राइडिंग में थोड़ा बहुत कम्फर्ट मिलेगा राइडर्स को। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लेग गार्ड और साड़ी गार्ड जो भी है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डुअल सस्पेंशन। तो गाइस ये रही इसकी बैक लाइट और बैक पोर्शन में आपको दिखा देता हूँ, ये बैक से लुक इस बाइक की कुछ ऐसी आती है। मुझे लगता है इस पर और थोड़ा अच्छे से काम किया जा सकता था और इसको थोड़ा अच्छे से कस्टमाइज़ किया जा सकता था। इसकी जो बैक लाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको LED बैक लाइट देखने को मिल जाता है। बाकी बात इंडिकेटर्स वो कमाल की है, ठीक है, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बाकी बात लुक्स में पीछे थोड़ी सी जो है मैं थोड़ा मतलब डिसअपॉइंट हूँ, बाकी बात ठीक है सब चीज़ यार। इस बाइक की कैटेगरी की बात करूँ तो ये बाइक आती है क्रूज़र बाइक के अंदर जो कि काफ़ी लुक्स में सामने से काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड अगर आप इसको साइड से देखते हो एंड गाइस जैसे ही आप इसे साइड से देखते हो एंड ये थोड़ी बहुत मतलब ऐसी लगती है कि नहीं कि मतलब नॉर्मल बाइक जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती, थोड़ी बहुत बल्कि लगती है। ऐसे मैं पीछे आता हूँ वहाँ से मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करती है इसकी लुक्स, बट कोई नहीं यार चलेगी। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं दिल से बोलूँगा काफ़ी सही है।